कसम आराम भात भात के लोग भात भात के संगीत भात भात के रीत रिवाज और हम आए हैं राजस्थान से वहां का संगीत आपके सामने भेंट करने हमारा खानदानी काम यही है तो अब हम आपको पेश करते हैं हमारी मिट्टी की खुशबू हमारी संस्कृति का एक हिस्सा ये है वो इमारत जो जमाई बाबू खरीदना चाहते हैं ये मामा जी इसमें तो काई जमी हुई है ऐसा लगता है परसों से ऐसी पड़ी है वही तो मालिकान और म्युनिसिपैलिटी के झगड़े में 7 साल से अटकी पड़ी है इमारत आओ आओ, आओ। ये देखो कितना अच्छा दिखता है ना व्यू ऊपर मंजिल से तो और भी अच्छा दिखेगा व्यू ये वो बिल्डिंग है ना जैसी ही बिल्डिंग बनके तैयार होगी ना देखना सोने के भाव बिकेगा इसका एक एक फ्लैट आओ बिटिया वैसे अपने जमाई बाबू है बड़े दिमाग वाले वरना 30 लाख रुपया फ्लैट का घर में रखना कितने तुम कि क्या है भाई तुम यहाँ किसकी इजाजत से आए हो अरे हम तो यही रह रहे हैं 2 दिनों में सिरोही से आकर प्रणाम नमस्ते प्रणाम भाई साहब अरे किसी ने हमें यूं ही डरा दिया था कि बंबई में रहने को जगह नहीं पर हमें तो ये जगह बहुत पसंद है दीवारें नहीं तो क्या हुआ छत तो है बस काम चल जा रहा हमारा बैठिए भाई साहब ये हमारे देवी देवता है हाँ भाई सुनो मैंने जो अभी कहा वो तुमने सुना अरे क्या बात कर रहे हो मैं भैरा कोणी के ना सुनू कोणी कोणी क्या अरे मैं भैरा थोड़ी के ना सुनू नहीं नहीं तुमने क्या सुना यही के वो 30 लाख रुपया वो क्या है वो ब्लैक ब्लैक का पैसा घर में रखना खतरा है तुम गांव से क्यों चले आए वो क्या है कि यूं काम क्या करते हो यूं देखो तो कोई काम नहीं और यूं देखो तो बहुत काम है माता सरस्वती की कृपा से हम छोटे मोटे कलाकार हैं हमारे दादा महाराजा उत्तम सिंह के दरबार में बैठते थे और उनके बापू जब राग दीपक बजाते थे तो सचमुच के दिए जल जाते थे तुम क्या बजाते हो ये रावण हत्ता और गाता भी हूँ कुछ गाकर सुनाओ एक दो पिछले साल पुष्कर के मेले में गाया था तो वहाँ के मंत्री ने मुझे मेडल भी दिए ये देखे भाई साहब ये यानी तुम पुष्कर में भी गाते हाँ और क्या तालियां बजी थी काशी शुरू सुनो अभी मैं जरा जल्दी में हूँ तुम ऐसा करो शाम को हमारे बंगले पर आ जाओ जी वहीं बैठकर सुनेंगे आराम से जी मामा जी हाँ बेटिया इन्हें अपना पता दे दो हाँ हाँ जी सुनो जी तुम्हारा नाम क्या है सेतुराम सरगम वाला अच्छा प्रणाम जी देखो हमारी निर्मला बिटिया है संगीत की दीवानी किसी को सा रे गा आता भी हो और मां ना भी आता हो तो उसे भी बुला लेती तुम्हें कुछ आता जाता भी है या सिर्फ पैसे के लिए ही मुंडा बड़े थारा टिटोरी सीढ़ी खड़े लापो लगे थारा क्या, क्या, क्या बोला कुछ नहीं पता पूछ रहा था राजस्थानी में तो ठीक दीजिए
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस। ये मेरे फोटोग्राफ्स हैं, मैं मॉडल हूँ। हाँ, मैं आपको बुलाता हूँ, बैठिए। हाय बेबी। हेलो सर। हाँ, कोल्ड ड्रिंक का नया एड तैयार कर रहे हो? यस सर। ओहो बेबी साहब, ये उमर खयाम के जमाने कब के लग गए। अब माल बेचना हो तो इस तरह से बेचो कि खरीदने वाला भी बेकाबू हो जाए। मैडम जस्ट अ मिनट। बेबी साहब, बात तो तब है जब सॉफ्ट ड्रिंक के साथ लड़की को भी पी जाने का मन करे, है? जरा हाथ ऊपर। नाउ शूट। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर सूरी काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन मिस्टर सूरी? वो पान मसाला वाले। ओह, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी सर, वो तो बड़ा खड़ूस आदमी है। अरे खड़ूस है, लेकिन उसको शीशे में तो उतरना पड़ेगा ना किसी न किसी तरह। तुमको पता नहीं, लेकिन उन लोगों का सालाना 2.5 करोड़ रुपए का पब्लिसिटी का बजट है। मजा आ गया। अरे झंझोटी, मजा आ गया। प्रणाम। जय हो द्रुपद प्रसाद जी। अरे चिरंजी लाल, बड़े सही वक्त पर आए हो। क्या ओरिजिनल धुन बनाई है, सुनोगे? हाँ सुनाओ। सुनाइए पहली धुन जी। कैसी है? वाह वाह। आगे आप दूसरी धुन। चिरंजी लाल जी भाई, बोल तो हमारे बेदर्द मुरादाबादी लिखने वाले हैं भाई, उन्हें भी तो कुछ कमाने का मौका देना चाहिए ना। तो मैं लिखूं? आप कड़की चल रही। ठीक है, आप लिखिए, आप भी क्या याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, वो पहली धुन क्या है? हाँ, पहली धुन जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। ये तो मुगले आजम का गाना है चिरंजी लाल। दूसरी धुन क्या? दूसरी धुन आवारा हूँ। ये आवारा का गाना है चिरंजी लाल। लेकिन ध्रुपद प्रसाद जी, वो धुन भी तो वही मुगले आजम और आवारा की। ओफो चिरंजी लाल, आप समझते क्यों नहीं भाई। देखिए, संगीत 7 सुरों की बंदिश है, है? हाँ, और इन 7 सुरों के दायरे में रहकर ही गाना बनाना पड़ता है। हाँ, है कि नहीं? हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई धुन किसी ना किसी गाने से तो मिलेगी ही। हाँ, जैसे 70 करोड़ जनता अलग अलग है, लेकिन ये संगीत के 7 स्वर सारे गामा पा धा नी सा। हाँ, वही आप समझ गए। बोलिए कैसे अलग अलग। हाँ, नहीं है। कैसे आना हुआ? हाँ, वो निर्मला बिटिया और यश जी की शादी की सालगिरह है, तो उन्होंने आपको इनवाइट किया। अच्छा। और हाँ, इस मौके पर कुछ लोक गायकों को भी बुलवाया है। फोक सिंगर। अच्छा, आपको शायद उनसे भी कुछ प्रेरणा मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं। मैडम का पीछे लॉन में। आइए सर, आइए। अरे आइए 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 आइए। अरे निर्मला, ये देखो तो सही कौन आए हैं। बड़ी मुश्किल से इन्हें मना कर लाया हूँ, और सच पूछो तो ये मेरे बुलाने पर थोड़े ही आए। ये तो तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारा गाना सुनने के लिए। आप हैं मिस्टर सूरी, संगीत के बड़े पार्की। हेलो, सो नाइस टू मीट यू, इट्स रियली नाइस टू मीट यू। और आप हैं मिस्टर राठी। नमस्ते जी। मिस्टर बत्रा। हेलो। और आप हैं मिस्टर कमलेश। नमस्ते। आई थिंक यू आर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट। आज हमारे घर पर गणपति बिठाए हैं, तो यहाँ खाना भी वेजिटेरियन है और गाना भी, और भजन तो क्या आप सुनेंगे और क्या मैं सुनाऊंगी। ऐसी भी क्या बात है मिसेज आहूजा, आज पहली बार आपके घर आए हुए हैं, कोई आखिरी बार तो नहीं। और जब तक हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन आपके पति के पास है, हम यहाँ आते जाते रहेंगे। Why not? You're most welcome. अगर आप कैंपेन का बजट बढ़ा दें तो कल ही क्यों, आप रोज आ सकते हैं मेरे घर। Come, let's go up. आइए।
क्या ये? क्या करती हो तुम? जानती हो ये कौन लोग हैं? सालाना 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मुझे इनके पास से मिलने वाला है। 2.5 करोड़ का। तुम्हारी जरा सी भी बेवकूफी की वजह से अगर ये हाथ से निकल गया ना तो ठीक नहीं होगा। इडियट। ओए ओए गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ओए ओए काका हो, कौन है तुम लोग, किधर जाते हैं? अरे देखो नहीं ये अंदर जा रहे हैं, बादशाह ने बुलाया गाना गाने के लिए। गाना गाने के वास्ते? तुमको बुलाया, तुमको 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 क्या? मारो नाम सेतुराम सरगम वाला है, ये मेडल देखो मेडल। जाओ जाओ मेडल किसी और को दिखाओ, जाओ। ओ डिमरा, हाथ मत लगाओ, इज्जत दो इज्जत लो। अच्छा बाबा हम समझ गया, ठीक है। देखो आज शुभ दिन है, इसके लिए सब लोग मेहमान लोग आती मेहमान लोग जाती, तुम किसी और दिन। हम जानते हैं शुभ दिन है, धन दिहाड़ है। धन दिहाड़ी री आज रावड़ी, धन मुहूर्त धन भाग दिया। मामा जी हाँ बेटे उन्हें ओ, अंदर ले आओ। हाँ। अरे खान साहब तेरे, अरे इनसे कहीं तेरे तुमने नहीं रोका, बिटिया के मेहमान हैं ये, मत मांगो। अरे जाने तेरे, आइए आइए क्या बात है ये सब, मजा आ गया पार्टी में आपकी, कमाल कर दिया आपने। और क्या एटमॉस्फेयर है, क्या मजा आ रहा है, बहुत हो बहुत मजा आ गया साहब, वाह वाह वाह। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आप जैसे गुणी और कला पारखी लोगों के सामने हमें गाने का अवसर मिला है, और वो भी आपके ब्याह की सालगिरह की खुशी में। अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक चौकी सी चीज। जो पता ना दिलदार मैं आवारा एक बड़ जारा रे मेरा, कुछ पता ना दिलदार मैं आवारा एक बड़ जारा, मैं आवारा एक बड़ जारा, मैं आवारा एक बड़ जारा मेरा, कुछ पता ना दिलदार मैं आवारा एक बड़ जारा रे मेरा, कुछ पता ना दिलदार मैं आवारा एक बड़ जारा। पता ना दिलदार मैं आवारा एक बड़जारा रे मेरा, कुछ पता ना दिलदार मैं आवारा एक बड़जारा।
सबसे देखा दोबारा मैं आवारा एक बन जारा पीछे मुड़के न देखा दोबारा मैं आवारा एक बन जारा अरे सुनो हसीना भजन वाली रे सुनो हसीना अरे सुनो हसीना भजन वाली मेरा कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जारा रे मेरा कुछ पता ना पता ना दिलदार मैं आवारा एक बन जारा मेरा कुछ पता ना दिलदार मैं आवारा एक बन जारा मैं आवारा एक बन जारा मैं आवारा एक बन जारा बहुत अच्छे मामा जी हाँ ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट भाई साहब सेतुलान हम तुम्हारी कला के दाम नहीं लगा रहे बल्कि अपनी खुशी से रख लो चलो खाना खाते हैं आप लोग भी आइए खाना तैयार है आइए आइए अरे भाई साहब आपने क्यों तकलीफ की तुम तो हमारे मेहमान हो धन्यवाद लो धन्यवाद आप यहां बैठेंगे क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता अरे भाई साहब बिराजो भाई साहब बिराजो मारो मतलब है कि कहां आप और कहां मैं आपका यहां बैठना मारे सर आंखों पर सेतुराम हां भाई साहब तुमने बहुत अच्छा गाया मुझे बहुत पसंद आया बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद हजारों लाखों में आप जैसा एक पारखी मिल जाए तो हमारा सीना इतना चौड़ा हो जाए बहुत खुशी हुई मने खुशी तो मुझे ज्यादा हुई है तुम्हारा गाना सुनकर पता नहीं ऐसी खुशी मुझे दोबारा कब मिली आप हुक्म तो करो भाई साहब मारा तो काम ही है बहुत स्वादिष्ट आप कहो तो सवेरे आके भैरव सुनाकर आपको जगा सकता हूँ दिन में दौरे सुना सकता हूँ और रात को लोरी सुनाकर सुला भी सकता हूँ हाँ भाई साहब बड़े बड़े मीठे सुर है हमारे पास अरे वाह 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 सेतुराम तो सुनाओ भाई लोरी सुनाओ हमें सुनने का बहुत शौक है सुनाओ सुनाओ ये है ध्रुव प्रसाद जी नमस्ते जी फिल्मी दुनिया के संगीतकारों में सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार सरकार से भारत रत्न मिलने तक मेहनत तो करनी पड़ेगी ना ऐ सुनाओ सुनाओ तुम सुनाओ देखिए ना ध्रुपद जी कितनी मिठास है हमारे लोकगीतों में और इन सच्चे कलाकारों को कोई मौका ही नहीं देता मैं देता हूँ ना तुम एक काम करो सुबह पहली फुर्सत में मेरे घर चले आओ मेरे कान तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं हमेशा खुले रहेंगे ए, ये तीसरा प्लेट है तुम्हारा और खाना चाहिए तो जाके रसोई घर में बर्तन चाट लेना
नौकर समझ रखा है क्या? ठाकू खाना बहुत बढ़िया है, खा के देखो। लो बढ़ियो बढ़ियो। यही चाहिए, ये लीजिए भाई साहब, यही चाहिए था ना? हाँ काका। भाई साहब ये क्या है? पहले हमें पता नहीं था कि आपके ब्याह की सालगिरह है, तो ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। हाँ जी भाई साहब, अगर बुरा ना माने तो पहनकर दिखाइए ना। साक्षात देवी माला को भाई साहब। देवी देवता क्या यूं ही बनाने से बन जाते हैं सेतुराम? क्यों नहीं भाई साहब, वो जो अंदर बैठे हैं गणपति महाराज और वो जो मंदिरों में श्री राम श्री कृष्ण दुर्गा माँ, वो सब अपने आप में पत्थर की मूर्ति है। वो तो हम भक्तों की श्रद्धा है जो उन्हें भगवान का रूप देवे। ये बोलो ध्रुपद प्रसाद जी, आपका तबीयत तो ठीक है ना? थकान थकान और कुछ नहीं भैया, रात भर जागा ना। आपके गाने के लिए अमरदन बना ना। अरे भाई कोई मजाक है क्या इसकी धुन बनाना? आपकी सिचुएशन भी तो हिला देने वाली है। बाप गा के सुला रहा है अपनी बीमार बेटी को, ऐसी वैसी धुन तो चलेगी नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल धुन चाहिए ओरिजिनल। तो अमर को सुनान। क्या है भाई, कौन हो तुम? मारा नाम है सेतुराम सरगम वाला, मैंने द्रौपद प्रसाद से मिलना है, बुलाया उन्होंने मारे को। तुम्हारे को? हाँ मारे को बुलाया है, औजा साहब के यहाँ मिले थे, भाई साहब के यहाँ मारा ही तो धुन गा रहे ऐसा। अखियों में आ जाइयो रे मेरी मुनिया को सुलाइयो रे मुनिया। इसी में सुबह हो गई, इसी पर्टिकुलर लाइन पे सुनना। मुनिया को सुलाइयो रे, मुनिया को सुलाइयो रे, अरे मुनिया सब मुनिया सब। क्या है जी? वो सेतुराम जी आए हैं। कौन सेतुराम? सेतुराम जी सरगम वाले। सेतुराम सरगम वाले? अरे भाई मैं कोई सेतुराम को नहीं जानता, कोई सरगम वाले को नहीं जानता, चलो भगाओ भगाओ उसे भगाओ। लेकिन वो तो कहता है कि ये जो धुन आप गा रहे हैं ये उसी की है। अरे नहीं हाँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये धुन तो सुबह 3 बजे मैंने सोची थी। भगाओ भगाओ उसको भगाओ। अरे जाओ यार। देखा, चलो चलो बाहर चलो। अपनी हर ओरिजिनल धुन को अपनी टोपी में बंद करके रखता हूँ, आगे सुनना। मुनिया को सुलाइयो रे, मुनिया अरे मुनिया अरे मुनिया। आप सीतुराम को नहीं जानते ना, ना आपने मारे को मिले ना, ना मारे को यहाँ बुलाया ना, ना मारा गाना सुना ना, ना मारा गाना चोरी किया ना। डेमरा हाँ डेमरा, गला पकड़ लिया, गला पकड़ लिया, गांव वाले ने मार डालेगा, गांव वाला मार डालेगा। अरे जल्दी पुलिस को फोन करो, 001 पुलिस पुलिस हेलो हेलो। हाँ उल्टा चोर पुलिस ने बुलावे ना। ये तो खैरियत जानो कि तुम अपने शहर में हो अपने घर में हो, अगर मारे गांव में होते ना, होते ना तो एक टांग होती है और एक हाथ, वो भी ऐसे। जीप निकालो बाहर, अगर ऐसी चोरी करते रहोगे तो माँ सरस्वती तुम्हारी जीप काट देंगी और तुम हमेशा के लिए गूंगे हो जाओगे। चोरी करता है मार डाला। बहुत देखे ऐसे हाथ पांव तोड़ने वाले। हाँ बाजी 5 मिनट में निकल रहे हैं। हाँ दैट्स इट बाय। ये क्या है, है? ये पहनकर चलोगे मेरे साथ पार्टी में? क्यों ये अच्छा नहीं है? नहीं नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर मैडम मुझे अपने साथ पार्टी में कोई देवी माँ नहीं ले जानी है कि सब जिसके सामने श्रद्धा से हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, समझे आप?
मुझे अपने साथ ले जानी है शमाए महफिल, कि जो उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। लोग तुम्हारे आसपास नाचते हुए नजर आने चाहिए मुझे। अब जाओ जल्दी से चेंज करो और खूबसूरत सी परी बनकर आ जाओ। वो जो मंदिरों में श्री राम श्री कृष्ण दुर्गा माँ, वो सब अपने आप में पत्थर की मूर्ति है। वो तो हम भक्तों की श्रद्धा है जो उन्हें भगवान का रूप देवे। अन्ना अन्ना मुझे जल्दी पटाटा वड़ा देना, मुझे प्रोग्राम में जाना है। अन्ना जरा जल्दी से चाय दे देना, मुझे भी संगीता बाई के प्रोग्राम में जाना है। हाँ बैठो बैठो, आता है। तुम लोग संगीता बाई का प्रोग्राम देखने हर रोज जाते हो, ऐसी क्या खास बात है उसमें? अरे देखो तो जानो, क्या नाचती है, अरे क्या गाती है, अरे वाह वाह क्या दिखती है, वाह वाह वाह। एक दिन तो ठीक है, तुम लोग हर रोज उसके पीछे 5 रुपए उड़ा देते हो। अरे 5 रुपए तो क्या, 500 रुपए भी जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन संगीता भाई का प्रोग्राम तो देखना ही देखना है। बिल्कुल सही बात है। ओए अरे माफ करना भाई, संगीता भाई की नौटंकी शुरू होने वाली, अरे तुम भी टिकट ले लो। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। मैनेजर मालिक, मालिक है क्या आदमी है क्या? क्या क्या अभी तक तो हुआ नहीं है, शुरू होने वाला है। संगीता भाई आने वाले हैं, चलाइए मत। संगीता भाई, संगीता भाई, सब ठीक है ना? ए शांता भाई, ए इधर आओ जी। ये घाघरा यहाँ तक क्या जी, 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 जी। अरे इधर कोई मीरा का भजन हो रहा है क्या? है थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे जाओ। Thank you.
सबकी नजर में सबके दिल में मेरा रूप समाया, आग लगा देगी महफिल में मेरी गुलाबी काया। सबकी नजर में सबके दिल में मेरा रूप समाया, आग लगा देगी महफिल में मेरी गुलाबी काया। काट डालूंगी बाबू, काट डालूंगी बाबू, बजारी हूँ मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ मैं तुम्हारी, बस तुम्हारे लिए ही तुम्हारी हूँ मैं तुम्हारी। कर जाओ रे दुनिया के खूनी हाथों से, औरत की जात बचाओ रे। मैं सच्चाई
जिस देश का रहने वाला हूँ, उस देश का रहने वाला हूँ, उस देश का रहने वाला हूँ। तने के अकेले ने ठेको ले रखा है दुनिया का, और भी तो इतना लोग था वहां, और तो किसी का खुजली ना हुई, फिर तन्ने की जरूरत थी। तू क्यों हर किसी के फटे में टांग डाल रहे हैं? अरे तो फिर क्या आंख मुंह बंद करके बैठे रहे? अरे हाथ और पैर किसके वास्ते दिए हैं? हाँ, कि कोई अधर्म होते हुए देखे तो उसे जाकर अटका देवे। हाँ, कान और जुबान क्यों दिए? कोई बुरा करे, कोई बुरा बोले तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। तू तो बड़ा महात्मा गांधी है ना, जो अन्याय के खिलाफ धरना दे देगा। अरे अगर तन्ने देखा होता तो थारा भी खून उबल जाता। कैसे गंदे गंदे नाच करावे उस बेचारी भोली छोरी से। छी 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 छी, अरे बड़े तो बड़े, इतने इतने छोटे बच्चे को भी बुरा लगा। काशी है ना? हाँ काशी, ये काशी। मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, क्या? कुछ नहीं, सो जा। कौन है? मैं सेतुराम। कौन सेतुराम? जी सेतुराम सरगम वाला। कल रात मैं वो आपके प्रोग्राम में आके नहीं, वो सब। अच्छा अच्छा, आप? जी। दरवाजा खुला है, आ जाओ। वैसे तो मैं आने वाला नहीं था, पर वो उल्टा पुल्टा हो गया ना सब, इसलिए आना पड़ा। बैठो। जी नहीं, ठीक है। छाछ बनाई है, पी लो। धन्यवाद। ठीक है ना? अच्छी है। कैसे आना हुआ? दो बातों के लिए आना पड़ा। दो बात? एक तो आप गाती बहुत अच्छा है, पर फायदा कौन है? सुनने वाले सुनते थोड़ी है, वो तो देखते हैं आपको सिर्फ, और वो भी छी छी अच्छी नजर से नहीं देखते। और फिर आपको कपड़े भी कैसे पहनाते ये लोग? उस मैनेजर का क्या, वो तो आपको इससे भी कम कपड़े पहनाएगा, मगर आपको तो देखना चाहिए कि आपने क्या पहना है, आप कैसी दिखती हैं। अगर हम कुछ बुरा बोले हो तो माफ करना, पर मारे को अच्छा नहीं लगा, बस इतना ही कहने आए थे। लेकिन तुम तो दो बात कहने आए थे ना? दूसरी बात यह है कि हमारी पगड़ी रह गई आपके पास, और हमारे पास सिर्फ दो ही अच्छी पगड़ी है। यह पगड़ी तो पुरानी हो चुकी है, वो जो पगड़ी है ना आपके पास, वो ज्यादातर काम आ रहे तो वो मैंने धोकर सुखाने डाल दिए है। आओ आकर ले लो। अरे धोने वाले की तकलीफ काहे को की आपने? भला मेरा पहना हुआ कपड़ा मैं बिना धोए तुम लगा तो नहीं? नहीं। लगता है माँ ने यहां रख दिया। नहीं नहीं ये नहीं, ये पता नहीं अच्छा भी दया है कि नहीं। एकदम अच्छी धुली है, बिल्कुल नई हो गई है। पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया आपको, पर सच तो ये है कि आप सचमुच बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है तुम मुझसे भी अच्छा गाते हो। कल कितना अच्छा गाया था, जबकि इतने गुस्से में थे। अब गुस्से में नहीं हूं। तो क्या जब गुस्से में होते हो तब गाते हो? अब गाऊं? सच? ओ रामा हाय रे, ओ रामा
तेरा राग समझ ना आए रे तेरा राग समझ ना आए रे दुनिया पे रामा तूने बड़ा जुल्म ढाया फूल के साथ तूने कांटा क्यों बनाया रे कांटा क्यों बनाया देख रहा हूँ तेरी छल भरी माया देख रहा हूँ तेरी छल भरी माया चांद तो बनाया उसमें दाग क्यों लगाया रे दाग क्यों लगाया बता दे मोरे रामा बता दे मोरे रामा राम जी का नूर मेरे आँखों में समाया राम जी का नूर मेरे आँखों में समाया मन का ही मैंने अपने नैना है बनाया कुदरत ने अपने हाथों मुझे है सजाया कुदरत ने अपने हाथों मुझे है सजाया मैं तो हूँ बस मेरे राम जी की छाया बता दे मोरे नमस्ते जी नमस्ते माँ पहचाना अपनी पगड़ी लेने आए हैं पगड़ी लेने भी और कल की गलती के लिए माफी मांगने भी ऐसा मत कहो भाई गलती तो मैं कर रही हूँ जो अपनी बेटी से ऐसे गंदे नाच नचवा रही हूँ तुम्हें बताओ क्या करूँ मैं ठहरी और साथ और फिर इसे लेकर कहाँ जाऊं पेट की आग तो बुझानी ही पड़ेगी ना ऊपर से मैनेजर कह रहा था कि जैसे नाच नचवाऊंगा नाचना पड़ेगा वरना कंपनी छोड़ दो बस अब तो लगता है ये जो छत सर पे है ये भी है अगर बात छत की है तो आप फिकर मत ही करो अरे कलाकारों पर अगर लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होगी तो क्या वो सरस्वती माँ का अपमान करने लगेंगे देखो हम भी छोटे मोटे कलाकार हैं मतलब मिलजुल कर कुछ ना कुछ गुजारा कर ही लेंगे अगर आपको हमारी बात ठीक लग रही हो तो इसे कह रहे हैं असली मकान क्या खुलापन क्या हवा लोग जरा जरा से दड़बों में रह रहे और उसमें भी लगा देवे दीवारें दरवाजे और उसके ऊपर सलाखें कमाल उनके घरों में और जेल में तो कोई फर्क ही नहीं महसूस हुए वहां सांस लेने को भी हवा नहीं पर यहाँ ये सब कुछ नहीं यहाँ तो खुलापन धूप छांव सर्द बारिश ठंड सब कुछ तो mm-hmm.
अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे को बुला लेना। अच्छा। राम राम। नमस्ते। अरे तै तो अपनी पगड़ी लेने वास्ते गया था, ये दो जनिया ने कहां से उठा लाया? तो क्या हुआ काका? होया ते कुछ नहीं, थारे पीछे बाईस आके मामा जी आए थे। हाँ। कह रहे थे यहाँ बड़ी जल्दी काम शुरू होने वाला है। हाँ। हमने भी यो जगह खाली करनी पड़ेगी और तय दो जनिया ने और उठा लाया। फिकर मत करो काका, बाईसा से बात कर लूंगा, काम हो जाएगा। हो जाएगा तो ठीक है, रह लेंगे। छोरी तो भली दिखे। परेशान है, तुम बीमार हो? ना ना, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तीन बोतल अंदर और तीन बाहर। ये कहाँ से लाए तीन बोतल, इतने पैसे कहाँ से? पैसे कहाँ थे सित्तू? इसी बात पे उसने भारी रेशमा को रख लिया और तीन बोतल और दे दी। किसने रख लिया? अड्डे वाले ने। चलो चलो मेरे साथ। कौन है काकू? यो इन्ने। ये क्या धांधली कर रहे हो बाबू? नहीं चाहिए मैं थारी बोतल। वो जो तीन बोतलें दिए उसके 40 रुपए रखो और मारी बकरी वापस करो। वो तो हो गया सौदा खत्म, वापस वापस कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से। अरे क्यों नहीं मिलेगी, 40 रुपए में मारी रेशमा रख लोगे? छोड़े से मारी रेशमा वापस करो। मैं कहता हूँ छोड़े से मारी रेशमा वापस करो पहले। अरे कोई यार है ना इधर, पकड़ो इसको। अरे अरे वाह, मैंने मारने को आवाज दी और चार आदमी यूं आ गए। देखो भाई, मारो नाम है सेतुराम सरगम वाला, बंदिश बांधने के लिए मैंने 7 सुरों की जरूरत पड़े है, ये तो सिर्फ 4 है, सा रे ग मा। 3 और बुलाओ, पा धा नी, फिर देखो कैसी बंदिश बांधता हूं। अरे क्या देख रहे हो तुम लोग, बढ़ा दो इसकी एकड़ी और सरगम भी। एक मिनट एक मिनट, पकड़ो, बोलो भाग दो उसको। शिव शिवाय नमः, नमः नमः। मैं कुछ लाई थी, मैंने खुद बनाया है। बिराजो बिराजो बिराजो, और खाऊंगा।
कैसा है? बहुत अच्छा पकाया है। वाकई? झूठे। सच? बहुत स्वादिष्ट है। क्यों हंस रही हो? तुम्हें तो झूठ बोलना पड़े। क्या मतलब? मैंने इसमें नमक नहीं डाला। तो क्या हुआ? स्वाद तो बनाने वाले की उंगलियों में हुए हैं, जो दिल से निकले हैं। किसी किसी की बातों में भी बहुत स्वाद होता है, जैसे जैसे तुम्हारी। भाई भाई, धागा तो मिल गया, सुई कोनी मिली। सुई की क्या जरूरत है? भाई ना, कुर्तो फट गया, सीने वास्ते सुई चाहिए। ऊपर कैलेंडर में लगी है, ले आओ, मैं सी देती हूँ। जानते हो, जब मैं पहली बार स्टेज पर जाती हूँ ना, तो माँ मुझे स्टेज के बीच से चलाकर चारों किनारे दिखा देती है। अच्छा? ये? सुनो, अगर तुम भी मुझे इस मकान के चारों किनारे दिखा दो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आओ। बस यहाँ तक है जमीन। अब तुम जाओ और बीच में खड़े हो जाओ। जाओ। ऐसा पागलपन मत करना। नहीं, नहीं करूंगी। तुम वहीं जाकर खड़े हो जाओ। कहाँ हो? यहाँ। यहाँ कहाँ? यहाँ। कहाँ? रोज बीच में खड़े रहोगे क्या? ऐसा करो, हमारे घर में जो घंटियां टंगी थी ना, वो लाकर यहां बीच में लगा दो। Yeah!
जानता नहीं क्या हुआ मुझे, लड़का या लड़की। कुछ नहीं, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। शांता दाई, शांता दाई, भाई साहब भी पधारी है मंदिर में, आओ विचार करा दो। कौन भाई साहब? वो जो प्रसाद दे रही है वो। अभी नहीं बेटा, फिर कभी। चल। ये ठीक है, इसको अलग रखो। त्रिपाठी कुछ मान लिया। आइए 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 चिरंजी लाल जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? क्या बताऊं, मेरी बहुत दिनों की मन की इच्छा पूरी हो गई। कैसे कैसे? देखिए, अपने जमाई राजन ना, उनके 30 लाख रुपए ब्लैक के एडजस्ट हो गए। पूछो कैसे? कैसे? मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा। मुबारक हो चिरंजी लाल जी। एक बात बताइए, आपकी फिल्म में संगीत तो होगा ना? द्रुपद जी, मुझे जूता नहीं मारिए, जूता नहीं मारिए। तो फिर समझ लीजिए कि आपकी फिल्म का संगीत सुपरहिट होगा। अब स्टोरी सुनाइए। देखिए, मैं बचपन से एक ही कहानी पे अटका हुआ ना, कि मैं जब भी फिल्म बनाऊंगा उसी कहानी पर बनाऊंगा। सिचुएशन फॉर सॉन्ग। दा 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 जी, दा 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 जी, अभी कहानी तो आपने सुनी नहीं ना। ओ चिरंजी लाल जी, हर बड़ी फिल्म जो होती है ना, वो पहले गाने से शुरू होती है, फिर कहीं शायद उसमें जाकर कहानी आती है। आप कहानी सुनाइए। देखिए, हमारी फिल्म का जो जो हीरो है ना, वो एक 15 साल का नौजवान, उसकी ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। ओह, 15 साल का नौजवान और ये लंबी दाढ़ी। ओह, वेरी ओरिजिनल। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वो लड़का फटे हाल, फटे जूते से फुटपाथ पे चला जा रहा है। सिचुएशन फॉर अ सॉन्ग। दा 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 दा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, अब वो लड़का एक बड़े मकान के सामने जाता है। एक अमीर लड़की के मकान का दरवाजा खुलता है, यूं कुत्ते भौंक उठते हैं। फिर से सॉन्ग की सिचुएशन। कुत्ते के भौंकने पर, अरे आप सुनिए तो। दा 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 दा। विनोबा जब रही है ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लड़का घर में आता है और माँ घर के अंदर। फिर से सॉन्ग। भक्ति गीत, भक्ति गीत। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। द्रुपद जी, लड़का यहाँ, लड़की का बाप लड़के के घर आ रहा है। लड़के की माँ दरवाजे पे जाती है, दरवाजा खुलता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पुरानी यादें ताजा हो जाती है। खाओ। अरे मुफ्त का माल है तो ऐसे खाएंगे जैसे दो पेट हो। अरे खाली पेट कोई बात नहीं होगी, और बादशाह से बहुत सारी बातें करनी है। वाह। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। जो कुछ कहना है तुम ही कहना। ठीक है। जय 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 भाई साहब। जरा ध्यान से देखिए भाई साहब, इसकी उम्र में आप भी बिल्कुल इसी की तरह दिखती होंगी। नहीं हाँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। तो यही वो संगीता है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। कोई बुरी बात तो नहीं कही ना मेरे बारे में? तुम जैसी अच्छी लड़की के बारे में भला कौन बुरी बात कर सकता है। आओ यहाँ बैठो। नहीं नहीं भाई साहब, हम आपको गुरु बनाने आए हैं, हम ही ठीक है। ये क्या नहीं पदवी दे दी मुझे, क्या बात है? दो बातें हैं भाई साहब। एक तो हम आपको धन्यवाद देने आए हैं,
कि आपने संगीता और उसकी माँ को अपने मकान में रहने की इजाजत दी। और दूसरी बात? दूसरी बात थोड़ी टेढ़ी है भाई साहब। वो क्या है कि चार पैसों की खातिर किसी को घटिया लोगों के सामने घटिया नाच नाचना पड़े। सो ठीक है, मैं चाहूं संगीता अच्छा नाच सीखे, सच्ची सेवा करे कला की। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तब ना होगी जब आप मदद करेंगी। लेकिन मैं भला कैसे सीख सकती हूँ? क्यों नहीं, ये देखो भाई साहब, ये कुर्ता पूरा फट गया था, ये इसने 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 सिया है, ये देखो पता भी नहीं चलता, ये देखो इसने। जब ये सब कर सके तो अच्छा नाच क्यों नहीं सीख सके? जरूर, मैं खुद सिखाऊंगी तुम्हें। तुम भी मेरे साथ सीखोगे ना? मैं कैसे सीखूंगी? तो मैं अकेले कैसे सीखूंगी? ये क्या खुसर पुसर हो रही है? बसा, ये मने भी इसमें शामिल करना चाहे। तो इसमें बुरी बात क्या है? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनती है। मैं देखूंगी कि तुम देश विदेश में खूब नाम कमाओ। एक बात बताओ भाईसा, हमारे खातिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुमने। पिंजरे की सलाखें गिनने से तो बेहतर है। तुम लोग तो मुझ पर उपकार कर रहे हो, वरना जिंदगी तो बेमानी सी बीती जा रही थी। अब अचानक ऐसा लगता है जैसे मेरे जीने का भी अर्थ हो जाएगा, मकसद हो जाएगा। निर्मला तेरी देवकी ही सही, पर ये अभागिनी यशोदा तेरे बगैर नहीं जी सकेगी। ये मत भूलना कि तुम लोग दुनिया के इतने सारे देशों में अपने देश की कला और संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हो। जी, इन घुंघरुओं में तुम ऐसी झनकार पैदा करना कि दुनिया के जिस कोने में भी तुम जाओ वहां लोग वाह वाह कर उठे। जी, हमारे देश की कला और परंपरा का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाए। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, समझी? जी। तू है नैया, मैं हूँ
संगीता नहीं है अभी तक, क्या हुआ होगा? बारिश रुक गई है ना, आ जाएंगे। पता नहीं। आओ। भाई साहब गरम दूध और हल्दी पी लेना वरना सर्दी हो जाएगी। तुम लोग भी तो भीग गए हो, आओ तुम्हारे गीले कपड़े बदल दूं। राम सिंह जी मैम साहब, आपके कुछ कपड़े सेतु को पहनने के लिए दे दो। अभी लाया जी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चलो घर चलते हैं। डर लग रहा था ना, चल जाओ पासा के साथ जाओ। अच्छा भाई साहब मैंने इजाजत दो। क्यों, तुम्हारा बीमार पड़ना जरूरी है? अरे मैंने कुछ भी नहीं होता, मैं जाके संगीता के माँ ने खबर कर दूं, उन्हें फिक्र हो रही होगी। अच्छा तो कुछ खा पी कर चले जाना। जी भाई साहब। चलो बेटे। मुझे तो लगता है ये नाच वाच सीखना, देश विदेश जाने का सपना देखना, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा क्यों बोलो हो शांता ताई, मारे से कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी संगीता जैसी भी है ठीक है, मैं सोचती हूँ उसे लेकर वापस गांव चली जाऊं। पर क्यों? बस यूं समझ लो कि ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। अरे क्या नहीं पसंद? कि संगीता अच्छा नाच सीखे, नाम कमावे, इज्जत कमावे, सो आपने नहीं पसंद? अरे कभी सुना है कि एक छोरी जिसे दिखाए ना दे हो, वो देश विदेश में जाए, अपने नृत्य का प्रदर्शन करे बड़े बड़े लोगों के सामने, बड़े बड़े हॉल में, ये सब तुमने ना पसंद?
तो क्या पसंद? क्या पसंद? कुछ मत पूछो मुझे, बस गांव वापस लौट जाने तो। अरे गांव वापस लौट कर क्या करोगी शांता ताई? फिर दो चार पैसों के लिए आज नंगवाना चाहोगी उसे लोगों के सामने, फिर नरक में ढकल दोगी उसे? ये पसंद है तुमने? शांता ताई, मारा मतलब तारा दिल दुखाने का नहीं था, मत मारो। ऐसा नहीं है, पता नहीं से तू, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे तेरी बहुत प्यारी चीज मुझसे छिन जाएगी, और अगर ऐसा हुआ ना से तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। मारी समझ में कुछ नहीं है शांता जी। संगीता, संगीता मेरी बेटी नहीं है, निर्मला की बेटी है। पैसा की बेटी? हाँ, निर्मला तब 18 साल की थी और मैं उस घर में नौकरानी का काम करती थी। पड़ोस में एक अच्छा सजीला लड़का रहने आया था, उसे गाने का बहुत शौक था और निर्मला को नाचने का। संगीत ने दोनों के दिलों को जोड़ दिया। बाबूजी का लेती है और डांटती खुद है, हाँ? उन्हें क्यों नहीं उठाती पूजा में से? हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, ले पकड़ इसे। ओह, तो ये पूजा है आपकी? आप समझते क्या है अपने आप को, मियां तानसेन? चलो तानसेन ही सही, बात करती है। चल, आजकल बहुत बात करने लगी है तू, हाँ? तो माँ, नाश्ते में क्या बना है? नहीं बताऊंगी। बताना। मैंने कहा ना, नहीं बताऊंगी।
इस तरह घूर घूर के देखती रहोगी तो आंखें कमजोर नहीं हो जाएंगी? जी जी जी, कैसे मोहल्ले में आ गए हैं हम लोग। नहीं रहना चाहिए हमें ऐसे मकान में। पड़ोस के लोग अच्छे नहीं हैं, बड़ी बदनामी है उनकी। हाँ सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही। हो गया उसे अब मैं लौटा तो नहीं सकता बाबूजी। लौटाने की बात ही कहाँ है बेटे, क्या क्या लौटा सकते हो तुम? इस बेचारे इंद्रनारायण जोशी ने जिंदगी भर में कमाया क्या था? थोड़ी सी इज्जत तो उसे भी तुमने आज मिट्टी में मिला दिया। अब ये काली पोता मुंह लेकर कहाँ जाएंगे हम? कैसे जिएंगे, कितना जिएंगे? ऐसा मत कहिए बाबूजी, लेकिन आप ही सोचिए, अब मैं उसे धोखा तो नहीं दे सकता ना, उसे छोड़ तो नहीं सकता मैं, ये तो पाप हो जाएगा बाबूजी। अच्छा बेटे तुम ऐसा ही करो, उसे मत छोड़ो, हमें छोड़ दो। वैसे भी चार दिन बाद तो हम बुड्ढे बुड्ढी को जाना ही था, चार दिन पहले ही सही। उस समय चिता में आग लगा दो तो तुम्हारी वो जिम्मेदारी भी चार दिन पहले ही निप जाएगी। समस्या अगर खड़ी हुई है तो वो मैंने की है। तुम बेवजह मेरी बात मान लो पेन, ये बीच का वक्त भूल जाओ, सोचो कि सब कुछ वैसा ही है। वही पेड़ है जिसके नीचे तुम रियाज करते हो, वही माँ बाप है, वही उमा है, बस वो सामने छत पे नाचती निर्मला नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। निर्मला, बेचारी निर्मला ने उपेंद्र को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुक्त कर दिया। शांताताई, शांताताई, कौन है? शांताताई, अरे निर्मला तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? वो लोग मेरे बच्चे को मार डाला जाते हैं शांताताई। हाँ? उन्होंने ताई को भी बुला लिया है, मेरे पास उपेंद्र की यही तो एक निशानी बची है। पागल हो गई है क्या? ये क्या उम्र है तेरी माँ बनने की? कोई फिर कुंवारी माँ के बच्चे की कोई जगह है दुनिया में? चल घर चल। निर्मला, निर्मला माँ जी। निर्मला मालकिन, तीन चार महीने की तो बात है, मैं तो कहती हूँ उसे जल लेने दो बच्चा। क्या? नहीं नहीं, हम उसे रखेंगे नहीं, हम उसे किसी अनाथ आश्रम में दे देंगे। दिमाग तो ठीक है तेरा, कोई माँ अपने बच्चे को
अलग रख सकती है भला? उसे उसे मैं संभाल लूंगी ना, सब समझा दूंगी उसे। कैसे? मालकिन आप तो खुद औरत है, आप तो जानती है कि इतने दिन का हमल गिराना उसकी अपनी जान के लिए कितना खतरा है। आप जानो आप अपनी बेटी को अपने हाथ से खो बैठोगे। तो ठीक है, लेकिन हम बच्चे को साथ नहीं रखने वाले। हाँ हाँ, 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 मैं सब संभाल लूंगी। वक्त पर निर्मला ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, संगीता को। पर मैंने उसे झूठ बोला कि उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। झूठ बोलकर मैंने बच्ची को बचा लिया और निर्मला पर आई मुसीबत को भी। 22 साल मैंने उसे अपने कलेजे से लगा के रखा। अब अगर उसे जुदा होना पड़ा तो मैं, अगर तुम लोग निर्मला के घर इसी तरह आते जाते रहे तो एक ना एक दिन तो ये राज खुल ही जाएगा ना। आप फिक्र मत ही करो, मैं कसम खाऊं मैं ये राज राजी रखूंगा। पर उसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस डर की वजह से आप संगीता की जिंदगी बर्बाद कर दो। उसका भी हक है खुश होने का, ये महसूस करने का कि वो इस धरती पर बोझ नहीं, उसका भी एक स्थान है, एक हैसियत है। आज किस्मत संगीता के दरवाजे खटखटा रही है, तो आप सांकल मत ही चढ़ाओ, खुल जाने दो दरवाजा, जाग जाने दो उसके सोए हुए भाग। पिनित्री बैठो। टेढ़ी लगी है क्या? काश टेढ़ी लगी होती, किसी की नजर नहीं लगती। बड़े बड़े सपने देख रहा है कि हम लोग विदेश जाएंगे, हजारों दर्शकों के सामने नाचेंगे गाएंगे, वो तो खुशी से उबल रहा है। बचपना क्यों, क्या तुम खुश नहीं हो? मैं? आप भी हमारे साथ चलेंगी ना? माँ को भी साथ ले चलेंगे। जरूर।
भाईसा, मैं देख सकती हूँ आप कैसी दिखती हैं? अभी तक सोई नहीं? ज्यादा आरामदायक बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए। पर आप क्यों नहीं सोई? कोई परेशानी है क्या? नहीं, शायद वही बात है जो तुमने कही। मुझे भला कभी ऐसा मौका मिलता कि तुम जैसी एक गुड़िया सी लड़की को अपने हाथों से खाना खिलाते, उसे सजाते संवारते, अपने पास बिठाकर जी भर के निहारते। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा लगा, इतने सुख की आदत नहीं है ना। कर रहे हो? मैं थारे को देख रहा था, बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखो, ना ही हमारा घर है और ना ही हम यहाँ अकेले हैं। तो बाईसा के यहाँ से कहीं और चले? वो तो कह रही थी यहीं रुक जाओ, बेकार का आना जाना। बाईसा ने दिए हैं। कितने अच्छे हैं। अभी आकर वो शायद डांस की प्रैक्टिस करवाएंगी। Baby.
रखियों को अपने दिल की बात न बताइयो, रखियों को अपने दिल की बात न बताइयो, जीवन भर की निभाइयो छोड़ के न जाइयो, जीवन भर प्रीत निभाइयो छोड़ के न जाइयो, तू ही तो है ओ तू ही तो है, हाँ तू ही तो है रे राधे मेरी तकदीर, लिखेंगे प्रेम कहानी जमुना के तीर, चली आइयो राधे रानी जमुना के तीर, लिखेंगे प्रेम कहानी जमुना के तीर। ऐसे गिरी है डॉक्टर साहब, बहुत खून गया डॉक्टर साहब। आईसी आपने कोई बड़े डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर डॉक्टर जी डॉक्टर जी डॉक्टर साहब। भाई साहब गजब हो गया। क्या हुआ? संगीता दीदी है ना, नाचते नाचते उतने ऊपर से नीचे गिर गई। कहाँ है वो? नमस्ते। अरे भाई हम लोग जो हैं, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? वो चल सकेगी ना डॉक्टर साहब, वो नाच भी सकेगी ना? संगीता तुम्हारी बेटी है निर्मला, क्या कर रही हैं? वो तो घर में नहीं है। घर में नहीं है? ये निर्मला कहाँ गई है? वो अस्पताल गई।
अस्पताल? वो लड़की थी ना अंधी, नाचते नाचते ऊपर से गिर गिरा गई, तो उसी को देखने गई। पता नहीं ये औरत ये दुनिया भर के अनाथ बच्चों और बेमतलब के लोगों के लिए इतना वक्त क्यों बर्बाद करती है। अरे भाई अपना घर है, उसे देखो, उसे संभालो। सही बात है। तुम सोच रही हो कि मैंने तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ ना बोलती तो तुम्हारी माँ सचमुच बच्ची का गला घोंटकर उसे किसी कूड़े कचरे में फिकवा देती। इसीलिए केसरबाई को भी मैंने वही बताया जो तुम्हें बताया था। उस नन्ही सी जान को मैंने मरने से बचा लिया। मैंने तो सोचा था कि उसे किसी अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने जब भी कोशिश की उसने मेरा आंचल यूं कस के पकड़ लिया कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जब भी मेरी सूखी छाती पे वो सर रखती तो जी करता कि भाग कर जाऊं और तुम्हारी गोद में तुम्हारी बच्ची डाल दूं। एक बार तो चल भी पड़ी थी, लेकिन पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई है और एक दिन ये समझ में आया कि गरीब देख नहीं सकती, भगवान उसकी आंखों में जोड़ डालना ही भूल गया। ऐसी बच्ची को मैं कहां किसके सहारे छोड़ देती निर्बला। तब जो मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो बस मेरा ही हिस्सा बन गई, वो मेरी ही बेटी बन गई और मैं मां बन बैठी उसकी। हो सके तो मुझे माफ करना निर्बला। माफी तो गलती के लिए मांगी जाती है शांताताई। तुमने तो उपकार किया है मुझ पर, मेरी बेटी को बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। क्या है भाई? ये हमारे मेडल है डॉक्टर साहब, ये हमारी कला की इज्जत की खातिर मरने मिले हैं। बैठो। रुपए पैसों में इनकी कीमत क्या है मैं ना जानू, पर ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। डॉक्टर साहब आप इन्हें रख लो, संगीता की जान बचा लो। डॉक्टर साहब मैं जिंदगी भर थारो एहसान नहीं भूलूंगा। बेटे अगर एहसान मानना है तो उसका मानो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद संगीता को कोई गहरी चोट नहीं पहुंची, कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। काका, ओ काका, चलो। अच्छे क्या बैठ गए काका?
ठहर जा माड़ा सा, अरे पीने वास्ते पैसे को ना मैंने सूंघ तो लेंदे जरा सी। ठीक ठीक, अगर मुझ में हिम्मत होती तो। क्यों, इसमें हिम्मत की क्या बात है भाई? अरे तुम्हारी बात नहीं है भाई। फिर बंबई अस्पताल में एक मरीज को गुर्दे की जरूरत है, 35,000 मिलेंगे है? मगर मुझ में हिम्मत नहीं है गुर्दा देने की। कितने कितने कितने? 35,000। अरे काकू कच्चे जाऊं? देख कासे, एक बोतल दारू 17.5 रुपए की मिले, 35,000 में 2,000 बोतल दारू की आवेगी। मैं इबी अस्पताल में जाके अपना गुर्दा दे के आता हूँ। अरे अरे, पर थारो गुर्दो लेगा कौन? क्यों, क्यों हो गया? सब दारू ही दारू भरी पड़ी है थारे गुर्दे में। जो अपनी रेशमा को दो ये गुर्दा तो वो भी दूध की जगह दारू देने लगेगी। सेतु, नीचे के डब्बे में दाल है, बीच में चावल और ऊपर सब्जी, संभाल के ले जाना। अरे बायसा के घर से तरह तरह का खाना आया होगा और अब तक संगीता खा भी चुकी होगी। इस वक्त बायसा अपने हाथ से उसे मिठाई खिला रही होगी। अरे देखो शांता ताई, मैंने तो अपनी बात रखी ना, मैंने कहा था नहीं बतलाऊंगा तो मैं नहीं बताया, पर वो कहे ना, हुई है वही जो राम रची राखे। अरे शांता ताई, जब बात खोली गई है तो क्या आपको नहीं लगता क्या हमें संगीता को सौंप देना चाहिए उसकी माँ को? मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है, बहुत दुख होगा आपको, पर दुख तो मन में भी होगा, मन में भी बहुत दुख होगा, पर हम लोग सह लेंगे। शांता ताई, संगीता कितनी खुश होगी, अपनी बायसा भी उम्र भर औलाद के लिए तरसी है, और जब उसे पता है कि उसकी बेटी जिंदा है, कितनी अच्छी कितनी प्यारी, तो क्या नहीं लगता कि हमें मां बेटी को मिला देना चाहिए? और फिर कब तक रहेगी, कब तक रहेगी आपके साथ? एक ना एक दिन तो डोली उठनी है ना, और फिर बादशाह के यहां से उठेगी तो बड़े धूमधाम से उठेगी, बहुत बड़े घराने की बहू बनेगी वो, पर हम उसे अधूरा नहीं भेजेंगे, हम उससे पूर्ण भेजेंगे। पूर्ण? अरे हाँ शांता ताई, संपूर्ण। बहुत तरक्की कर ली है विज्ञान ने, ये डॉक्टर लोग जादूगर हैं, यूं चुटकी बजाई और संगीता देखने लगी। हाँ, जाने कैसे कैसे सपने देखता है सेतुराम। सपने? जब सपने सच हो जाए ना शांता ताई, तो सपने सपने नहीं रहते। कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट। कैसे हो? राम राम डॉक्टर साहब। अरे भाई, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े? आपने हमारे बात का जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब। मैंने तुम्हें जवाब दे दिया, और क्या जवाब चाहिए तुम्हें? राम राम। क्या है सेतु राम? आपने मन ने जवाब नहीं दिया। डोंट बी सिली एंड डोंट बी फूलिश। तो सिर्फ चुटकी बजाने की बात है डॉक्टर साहब। मैं तुम्हें कह चुका हूं कि यह नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, हर हाल में नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? निर्मला जी, राम राम। आइए आइए। अच्छा आप आ गई, बैठिए। देखिए इसका कुछ कीजिए, मेरे पीछे पड़ गया है, जिप पकड़कर बैठ गया है कि इसकी आंखें निकालकर संगीता को लगा दी जाए। हाँ भाई साहब, मैंने ये सोचा कि हम हर रोज थोड़ी अस्पताल आते हैं, और जब आई गए तो ये काम भी क्यों नहीं कर देते लगे हाथों। हाँ हाँ, भिंडी खरीदने आए थे तो लगे हाथों केले क्यों ना खरीदते जाएं? अरे भाई, ये कोई मजाक है, किसी की आंखें निकाल कर किसी और को लगा दी जाए। अरे मगर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये देखो, मैंने किसी से पढ़वाया है, ये आप भी देखिए भाई साहब, ये देखिए आंख 80,000 में, ये गुर्दा 27,000 में,
चमड़ी तक बेचते हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब, इसमें लिखा है कि लोग कैसी कैसी बेईमानियां करते हैं, किस तरह धंधा करते हैं चीजों का। मैं धंधा कौन करूं, मैं तो दोनों आंखें देने आया हूं मुफ्त। देखो बेटे, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, उनकी कदर करता हूँ, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नामुमकिन है। बेटे, किसी भी आदमी की जीते जी उसकी दोनों आंखें नहीं निकाली जा सकती, वो सिर्फ तब निकाली जा सकती हैं जब आदमी मर जाता है और लिख जाता है कि मैं अपनी आंखें दान कर रहा हूँ। अरे तो ठीक है, मैं मर जाता हूँ, लगा दो मेरी दोनों आंखें संगीता को फिर। सेतु, देखिए ऐसी तो बातें करता है, मैं क्या करूं इसका, आप ही समझाइए, मेरे बस की बात नहीं। सेतुराम, तुम क्यों अपनी आंखें संगीता को देना चाहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है भाई साहब? अरे भाई साहब, मैंने तो सिर्फ गाना ही गाना है, एक जगह पर बैठकर, उसे तो नाचना है, नए नए शहरों में जाना है, बड़े बड़े शहरों को देखना है, और जब दर्शक तालियां बजाएंगे तो अपनी आंखों से उन्हें देखकर उसे कितना जोश आएगा, जब अपनी आंखों से वो अखबार में अपनी तारीफ पड़ेगी तो उसे कितनी खुशी होगी, और वो ढेर सारे नाम देखकर उसे कितना अच्छा लगेगा, नहीं भाई साहब? तुम संगीता को इतना चाहते हो? मैं चाहता तो हूँ भाई साहब, पर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसे इतना नहीं चाहता जितना वो मरने चाहती है। तो क्या वो मंजूर कर लेगी कि तुम्हारी आंखें उसे लगा दी जाए? अरे इसलिए तो ये काम चुपके से कर रहा था, मगर आपको पता चल गया, पर मरने कोई डर नहीं, मैं जानो आपका दिल बहुत गहरा है, आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे। भाई साहब, इसमें सोचने की क्या बात है, अरे वो भी तो देखे आपको, देखे कि कैसी खूबसूरत, लाखों में एक है उसकी माँ, और फिर आपकी बेटी भी कितनी सुंदर, कितनी भली, कितनी अच्छी है, ये कमी क्यों रही उसमें? क्या आप नहीं चाहती कि वो भी अखंड हो, संपूर्ण हो? अगर कुछ बड़बोली कर गया हो तो माफी कर दो, पर आपको हमारा ये काम तो करना ही होगा। अगर आप हुक्म कर देंगी कि संगीता को आंखें लगनी चाहिए तो डॉक्टर साहब भी आपकी बात को इनकार नहीं कर सकते। करोगी ना भाई साहब? बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। आज अगर मेरी बेटी जिंदा है, ब्याह के लायक हो गई है, तो वो तुम्हारी मेहरबानी है शांता ताई, एहसान है तुम्हारा मुझ पर। नहीं, नहीं। तुमने पूछा नहीं लड़का कौन है? तुमने चुना है तो अच्छा ही होगा। दिन भी तय कर लिया है। कौन सा? यही गुरुवार। अच्छा, इंतजाम तो सब कर लिया है, बाकी तुम संभाल लेना। मेरी तरफ से उन दोनों को ये आशीर्वाद दे देना। क्यों, तुम नहीं आओगी क्या? यश को तो तुम जानती हो, वो कभी पसंद नहीं करेंगे। फिर भी तुम हो ना। मामा जी से पूछा था कि अलमारी में 30,000 रुपए थे, वो कहां गए? वो मैंने खर्च किए हैं संगीता के लिए। मैंने रुपये कहां गए ये पूछा था, उनका हिसाब नहीं पूछा था, मगर अब जरूर पूछना चाहूंगा। आखिर उस अंधी लड़की के लिए तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत है? वो अंधी लड़की मेरी अपनी बेटी है। ओ, I see. करना चाहो तो इतना यकीन जरूर करना कि अब से पहले मुझे खुद इस बात का पता नहीं था। और हाँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम
तुम पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं आने वाली। ये बोझ या ये जिम्मेदारी मेरी है भी नहीं। और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी ये नाजायज बेटी अगर लौट कर तुम्हारी जिंदगी में आती है तो तुम्हें मेरी जिंदगी से बाहर जाना पड़ेगा। ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ यश, पर नहीं कहूंगी, क्योंकि क्योंकि तुम्हें अपने बंगले, अपनी अपनी गाड़ियां, अपनी धन दौलत से, इन सब से इतना लगाव है कि तुम इनके बिना जी ही नहीं सकते। तुम बेफिक्र रहो यश, तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो कुछ करना है मैं खुद करूंगी। साहब जी इस वक्त कितने परेशान से कहां जा रहे? तुम इतनी रात को यहां कैसे चले आए? वो तो आना पड़ा ना भाई साहब, शांता साहब कह रही थी कि मैंने ब्याह करना पड़ेगा इसी गुरुवार को। तुम्हें कोई ऐतराज है? मैंने ऐतराज नहीं, पर वहां का काम हुआ नहीं ना, ऑपरेशन का, वो तो पहले जरूरी है ना। और शादी जरूरी नहीं है? देश विदेश के टूर पे मेरी बेटी क्या है अजनबी के साथ जाएगी? हाँ अपने पति के साथ जाए तो और बात है। मारे कुछ समझ में आयो नहीं भाई साहब, अगर आप सोचे हो कि आग लग जाने के बाद संगीता मारे यहाँ बैठो। अगर आप सोचे हो कि संगीता के आंख लग जाने के बाद वो मारे से ब्याह करने से इनकार कर दे तो एक बात मैं आपको बता दूं, वो ऐसी छोरी है ही नहीं, मैं अच्छी तरह से जानू उसे। मैं जानती हूँ कि तुम उसे कितना जानते हो। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? तो फिर पहले ये शादी क्यों? अगले हफ्ते से श्राद्ध शुरू हो जाएगा, पंडित जी ने कहा है शादी ब्याह इसी हफ्ते में हो सकता है, ऑपरेशन तो शादी के बाद भी हो जाएगा। ये मतलब ठीक है बस, समझ गया, सब समझ गया। जरा संभाल के बाबूजी, चूहे मारने की दवा है तो पर जहर ही। हाँ। किसी बच्चे बच्चे ने खा लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। बच्चे बच्चे या बड़े भी, कोई भी हो, 10 मिनट में। राम राम। राम राम। मैं अपने पूरे होशो हवास में आत्महत्या कर रही हूँ। मेरी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए, ये मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे बाद मेरी आंखें मेरी बेटी संगीता को लगा दी जाए। चेतुराम, आज कोई खास दिन है क्या? खास दिन? पहले मुझे मंदिर ले गए, फिर ये फूल खरीद कर दिए, फिर होटल में ले जाकर अच्छा शानदार खाना खिलाया, और अब घोड़ा गाड़ी की सैर करा रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ संगीता, बहुत 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 खुश। यहाँ बैठो, मैं भी आया। हेलो। राम राम भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ सेतुराम। क्या है सेतुराम? भाई साहब बात कुछ इतनी बड़ी नहीं, बात यह है कि मैं लाख बेवकूफ सही, पर इतना तो जरूर जानू कि आप हमारा ब्याह पहले क्यों कराना चाहती है।
माना कि आप संगीता की माँ है और वो आपकी बेटी, पर एक बात मैं बता दूं भाई साहब, अगर संगीता नु किसी की आंखें लगेंगी तो मारी लगेंगी। आप इतना जरूर करना, मारे मरने के बाद मारी आंखें संगीता नु जरूर दे देना। और हाँ भाई साहब, संगीता की शादी किसी अच्छे घराने में जरूर करा। सेतु, संगीता, संगीता, अरे संगीता, माना कि आप संगीता की माँ है और वो आपकी बेटी, पर एक बात मैं बता दूं भाई साहब, अगर संगीता को किसी की आंखें लगेंगी तो मारी लगेंगी। आप इतना जरूर करना, मारे मरने के बाद मारी आंखें संगीता को जरूर दे देना। काशी, संगीता को देखा? मैंने नहीं मालूम। सेतु, सेतु। भाईसा, ये फोन पर तुम क्या कर रहे हो? गजब हो गया, जब मैं आपसे फोन पर बात कर रहा था तो संगीता मेरे साथ थी, जब मैं पलट के देखा तो गायब हो गई। अरे कहाँ गई होगी? उसी में आ गई तू। अक्कल है कि नहीं? संगीता, कैसे मर रहे हैं आप लोग? एक आदमी आकर अच्छा खासा खेल बिगाड़ रहा है और आप लोग चुपचाप देख रहे हैं। हुआ क्या है तुम्हें? किस बात का बदला ले रही हो तुम? हाँ, बरसों शांता ताई घुट घुट कर आंसू पीती रही, क्या इसलिए कि तुम वापस इसी गंदगी में आ जाओ? मैं जो तुम्हें साफ सुथरी इज्जत की जिंदगी दिखाना चाहता था वो सब बेकार हो गए। और फिर देवी जैसी बायसा जिसने तुम्हें ढेर सारा प्यार दिया, इतना अच्छा नाचना सिखाया, उस पर पानी फेर दिया तुमने, आखिर क्यों? तुम अब तक जिंदा हो, मैं तो समझी थी
वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। हाँ? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें बायसा से फोन पर बात करते हुए सुना था। ठीक ही तो कहती हूँ, मरना चाहते थे ना तुम, तो जहर खाकर कायरों की तरह मरने से एक गिरी हुई लड़की की इज्जत बचाते हुए मरना ज्यादा अच्छा है। शहीद कहलाओगे तुम, और जब तुम्हारी आंखें मुझे लगाई जाएंगी ना, तो एक महान शहीद की आंखों से मैं दुनिया देखूंगी। संगीता बेटे, आप भी यहाँ पधारिए भाईसा, आपको भी तो बहुत दया आती है ना इस अंधी पर कि बेचारी झोली फैलाए भीख मांग रही है कि अरे कोई मुझे अपनी आंखें दे दो। संगीता, जानती हो तुम किससे बातें कर रही हो? जानती हूँ माँ, अपनी उस माँ से जिसने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया, और चूंकि इतने साल मुझे अपने से अलग रखना पड़ा, आज वो अपनी जान देने को तैयार है ताकि इनकी आंखें मुझे मिल जाए। बेटे, मेरी जिंदगी वैसे ही बेमानी हो चुकी थी, इसलिए खत्म कर देना चाहती थी उसे। और सेतुराम, उसके बारे में तो तू ऐसी वैसी बात कभी सोचना भी मत। वो तुझसे जितना प्यार करता है उतना शायद किसी ने किसी से किया हो। क्या प्यार है कि जिसे प्यार करते हैं उसी को अकेला छोड़कर चले जाएंगे? आंखें लगने के बाद मैं देखूंगी किसे? बड़े भाग से तो मुझे दो दो माओं का साया नसीब हुआ है, तो क्या एक को खोकर ही मैं देख पाऊंगी? अरे सेतु, जिसकी आंखों से मैं दुनिया देख रही थी, वो भी मुझसे आंखें चुराने लगा। ऐसा क्यों कहती हो तुम? जब कोई किसी के दिल में समा जाता है तो वो जन्म जन्मांतर का उसका हो जाता है। मुझे समझाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगे। सारी दुनिया ने मुझे अंधा कहा, अधूरा कहा। मन दुखता था, पर मैं मुस्कुराकर सहती रही। लेकिन जब तुम मिले तो ऐसा लगा, चलो कोई तो ऐसा मिला जो मुझे अधूरा नहीं समझता, अपाहिज नहीं समझता। लेकिन तुम तो सभी से गए गुजरे निकले, तरस खाते रहे मुझ पर, दया करते रहे, और मैं समझती रही प्यार। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ संगीता, सच। मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम देख सकती हो कि नहीं, तुम नाच सकती हो कि नहीं, तुम गा सकती हो कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। पर अब बात और है, तब तुम एक मामूली नाचने वाली थी, मैं एक मामूली गाने वाला था, पर अब तुम बायसा की बेटी हो, एक बहुत बड़े इज्जतदार घराने की बेटी। क्या बायसा नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी शादी किसी बड़े घराने में हो? मैं भी यही चाहता हूं। शर्म नहीं आती ऐसी बात मुंह से निकालते हुए? मैं क्या दोबारा शादी करूंगी? दोबारा शादी क्या सिर्फ 7 फेरों से होती है? जब मन से तुम्हें पति मान लिया है तो दूसरे के बारे में सुनना भी मेरे लिए पाप है। अगर मुझे सचमुच अधूरा और अपाहिज नहीं समझते हो तो स्वीकार कर लो मुझे, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं। चित्र उन कर्मयोगियों को सादर समर्पित है जिन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी शारीरिक कमजोरियों को जीत लिया है। हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। तेरे प्यार का सुर लेकर
हाँ।